सम्राट है। अरे देखिए बेगूसराय समरसता की पहचान है और यहाँ आके हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। सुनिए, जिला का प्रतिनिधित्व जिला का बेटा करे। अगर बेगूसराय से बीजेपी गिरिराज को टिकट देती है तो हम लोग महागठबंधन से कोई उम्मीदवार आएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, हम लोग उसको विकास पहचान अब हमें हमरा बिना अयले जब पहचानी तू हमारा झूठो कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, 5 साल में नहीं आया, एको दिन नहीं आया। क्या बात करते हैं, अब आया हर जगह। और बेगूसराय से बीजेपी किसी को टिकट दे, गिरिराज को छोड़ के हम लोग साथ हैं। मतलब 50,000 की आबादी आपको बता रहे हैं, बरोफिट है ना NTPC के बगल में, वो छाया गिरा रही है और उसका आवेदन गिरिराज सिंह को हम लोग दिए हैं, बाजाबता उसका रिसीविंग हम लोग के पास है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आते हैं अपना NTPC से माल ले लेते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार बीजेपी से फिर से गिरिराज सिंह को टिकट मिलेगा? देखो तू हमरा पूछे छो, हम की बतैयो आपको, नहीं कुछ समझ में नहीं। हमको मूर्ख आदमी है, हमको क्या समझ आएगा। अच्छा, पिछले बार गिरिराज सिंह जीता था ना? हाँ, जीत के गया, बढ़िया वोट से जीता था। हाँ, खूब बढ़िया से। क्या फिर से अगर उनको टिकट दिया जाता है तो बढ़िया वोट से जीतेगा? कौन बताएगा, पेट में बच्चा है कौन बताएगा, लड़का है कि लड़की है कि गाभिन है कि नहीं है, कौन बताएगा। अच्छा, पिछले 5 साल में विकास हुआ बेगूसराय का? हम नहीं जानते हैं क्या विकास हुआ। हमको तो सलाह जो भी 400 रुपया देता था वो भी बंद है, हमको क्या, बंद हो गया। तब कह रहा है कि सब जितना है बूढ़ा सूढ़ा जितना 60 साल प्लस जिसका उम्र हो गया सबको हम 400 रुपया हर महीना भेज रहे हैं। क्या कहेगा भेज रहा है, हमको कहाँ मिलता है? मिलता होगा, एक को पैसा नहीं हमको मिलता है। नहीं, जितना बूढ़ा है सब कुछ नहीं, नहीं मिलता है, नहीं मिलता नहीं। क्या लगता है अगर चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे? अब भाई हम कैसे बता देंगे, हम तो पहले डायरेक्ट में कहे जो गाभिन है पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है कि ईटा पत्थर है, कौन कहेगा। आप बात है इस बात में सर, अब हमें किधन गए, मैं तो मूर्ख आदमी से पूछे छो, पढ़लका लिखलका अखबार देखे वाला कुछ वो। अब बेगूसराय हुआ है, हमें बेगूसराय में नहीं छे, हम यहाँ ढलाप छे, ढलाप छो बेगूसराय नहीं भेले। हाँ, ढलाक विकास भेले, एजवा तो सब लिखले छे, देखो एजवा विकासे सब। हाँ, एजवा जब तक हम 60 बरस होले तब से विकासे में छे। गिरिराज सिंह को पहचाने छो? अब हमें हमरा बिना अयले जे हम पहचानी तू हमारा झूठो। कभी नहीं अयला? हाँ, कभी नहीं आया, 5 साल में नहीं आया, एको दिन नहीं आया। क्या बात करते हैं, अब आया हर जगह, हवाई अड्डा में आया, हवाई अड्डा में गया, तो हवाई अड्डा अभी के गाँव में पड़ता है, पड़ता है इससे क्या है, लेकिन हम तो नहीं गए। आप नहीं गए, विकलांग है, हमको कोई लात धर देता था हम सलाह उसी में चपा जाते थे, हम क्या उसको देखेंगे। अच्छा, बेगूसराय की जनता बदलाव चाहती है या फिर वही कैंडिडेट को जिताना चाहती है जो पहले? सब जनता को हम ठीका तो नहीं लिए, आप अपना ठीका लिए हुए ना, आप बताइए क्या। अरे वो तो मतदान है, कभी जो मर्जी होगा उसमें आप उसको वोट दीजिए कि नहीं दीजिए, आपको छोड़िए ना, वो तो मतदान है, वहाँ जाएंगे रूम में जिसमें मर्जी होगा उसमें दे देंगे। चलिए चाचा, हर बार कट के निकल जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी से फिर दोबारा गिरिराज सिंह को टिकट मिलेगा? टिकट मिल भी जाएगा तो उनका बेगूसराय में इस बार कोई उपाय नहीं है। क्या बात करते हैं, इसलिए कि बेगूसराय में 5 सालों में एक ईंट भी वो नहीं लगाए हैं। फ्लाईओवर कौन बनवाया, फोर लाइन कौन बनवाया, वो तो केंद्र, वो अपने योजना से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही आते हैं जनता से रूबरू हो रहे हैं। किसके योजना से कर रहे हैं? वो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार किसका है, केंद्र सर है लेकिन का है, लेकिन वो बीजेपी का है। हाँ, गिरिराज सिंह किसका नेता है? वो तो बीजेपी, बीजेपी का, तो बीजेपी काम कर रही है, लेकिन वो जो अपने गिरिराज सिंह जो है वो व्यक्तिगत कुछ यहाँ नहीं कर पाते, ना ही जनता। अभी देखिए जाकर वहाँ देखिए उनको क्या कहता है, हम लोग आवेदन भी दिए हैं कोची का, अभी वहाँ पे गांव बसा हुआ है, 50,000 की आबादी आपको बता रहे हैं, बरोफिट है ना NTPC के बगल में, वो छाया गिरा रही है और उसका आवेदन गिरिराज सिंह को हम लोग दिए हैं, बाजाबता उसका रिसीविंग हम लोग के पास है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आते हैं अपना NTPC से माल ले लेते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, और वहाँ 50,000 आबादी उस डस्ट से जिसमें मरकरी होता है, कैंसर होने की बीमारी होगी, TB होने की, दमा खांसी आँख की बीमारी, ये जानकारी है आपको, कल का ही न्यूज में दिखाया जा रहा था कि बेगूसराय सब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है अपना बेगूसराय। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ ये जानकारी। क्यों है, है? क्यों है? ये फैक्ट्री के वजह से होगा। कौन कौन फैक्ट्री की वजह से? यही सब फैक्ट्री, देखिए उसमें दोनों बात आता है। अच्छा। अगर प्रदूषण फैक्ट्री से लाभ भी लोगों का है और हानि भी है, उसमें दोनों बात आ सकती है जी। तो क्या लगता है विकास नहीं हुआ पा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो पे आउट है। उनके बदला दूसरा कोई कैंडिडेट आ जाते हैं उनको लोग सहर स्वीकार कर लेगा। अच्छा। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह की बेगूसराय में कोई दाल गलने वाला नहीं है। तो महागठबंधन से किनको? महागठबंधन से कन्हैया चले आवे तो बेहतर होगा। अच्छा,
कन्हैया बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल लड़ाई होगी। और भी दो तीन कैंडिडेट है, फिर उसका नाम नहीं ले रहे। कन्हैया चुनाव लड़ा फिर फरार हो गया, बेगूसराय को मुंह देखने के लिए नहीं आया। बेगूसराय का बेटा है, बेटा रहने से क्या होगा? आप बेगूसराय के लिए का किए? हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि आपके लिए का किया कन्हैया, बेगूसराय के लिए का किया? कन्हैया कुछ बना ही नहीं तो करेगा क्या? अरे भाई, तो बेगूसराय में रह करके बेगूसराय के मुद्दों को क्यों नहीं बात किया? जब बाहर था बारे में रहता, बेगूसराय के लिए बात उठा, आवाज उठाता। वो बात उठाया दिनकर, विश्वविद्यालय की बात उठाया गया, बना नहीं। अब वो तो है नहीं सत्ता में, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो जब सत्ता में आएगा तब उनसे सवाल, अभी जो सत्ता में है सवाल हम उन्हीं से न कर सकते हैं। मतलब सीधी बात, आप बीजेपी से राकेश सिन्हा को देखना पसंद करते हैं और इंडिया गठबंधन से आप जो है कन्हैया को देखना, कन्हैया से। और सीपीआई अगर ये सीट बनती है तो अवधेश राय को, अवधेश राय को। हाँ बिल्कुल, सीपीआई सीट बनती है तो अवधेश राय, कांग्रेस का सीट बनता है तो कन्हैया, और बीजेपी में आपका राकेश सिन्हा। ऐसा रुझान यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी कुछ कहेंगे भाई? बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है बताइए? एक फ्लाईओवर बन रहा है इधर मटियानी, सामो पुल का हुआ, सामो पुल बना ना, ओवर ब्रिज बना, फ्लाईओवर बना, फोर लाइन बन रहा है। ये सब केंद्र सरकार की देन है। भैया कह रहे थे कि गिरिराज सिंह का इसमें कुछ हाथ नहीं है। गिरिराज सिंह गया है सिर्फ एनटीपीसी में जा करके, सुनिए जा करके सिर्फ जो है अपना बैग भर भर करके वापस आए हैं, लेकिन ये सब काम में उसका कोई योगदान नहीं है। ये कह रहे हैं कि बेगूसराय में जो है बना है फ्लाईओवर, बना है फोर लाइन, बना है सामो में पुल, बना है फ्लाईओवर का हम इग्नोर नहीं किए हैं, फोर लाइन का भी इग्नोर, लेकिन सामो में नहीं बना है। कि सब गिरिराज बना है? नहीं नहीं, बिल्कुल सामो में नहीं बना है। केंद्र सरकार सामो, सामो मटियानी, गिरिराज सिंह के बारे में बात सुनिए, पहले सुनिए। सामो मटियानी पुल, सामो मटियानी पुल आदरणीय राकेश बाबू का देन है। अच्छा, वो यहाँ से लेके नितिन गडकरी तक गए और उन्हीं का देन है, उसका टेंडर होगा, बनेगा। और बेगूसराय से बीजेपी किसी को टिकट दे, गिरिराज को छोड़ के। अच्छा, हम लोग साथ हैं। मतलब गिरिराज को छोड़ करके आप लोग पसंद कर रहे हैं? गिरिराज को नहीं पसंद, दे दे तो 5 लाख पार आपकी। हाँ, मतलब राकेश सिन्हा को अगर दे दे तो 5 लाख पार, 5 लाख पार आपकी, मतलब जितना तय है, जितना तय है। अच्छा, गिरिराज सिंह को क्यों आप लोग इग्नोर करते हैं? क्यों? हम लोग का जितने भी जिले वासी हैं, मुस्लिम यहाँ की हिंदू सम्राट है। अरे देखिए, बेगूसराय समरसता की पहचान है और यहाँ आके हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। सुनिए, जिला का प्रतिनिधित्व जिला का बेटा करे। अगर बेगूसराय से बीजेपी गिरिराज को टिकट देती है तो हम लोग महागठबंधन से कोई उम्मीदवार आएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, हम लोग उसको वोट करेंगे। गलत नहीं बोल रहे हैं? गिरिराज सिंह अगर लड़ेगा तो आप लोग महागठबंधन को वोट दे दीजिएगा? गलत बात है? नहीं देंगे, उसी को हमारा मत है, हम कहीं दान करें, मतदान करें। चाहते हैं कि बदलाव हो ना? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बस रजनीश बाबू आ जाए, रजनीश बाबू आ जाए, राकेश सिन्हा जी आ जाए, या बीजेपी से कोई आ जाए, लेकिन गिरिराज छोड़। आप भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन एकदम हर हाल में। गिरिराज छोड़ के कोई आए एकदम स्वीकार है, लेकिन गिरिराज सिंह बिल्कुल बेकार है। देखिए, ऐसा हमारा कहना नहीं है, यहाँ का रुझान है। अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे बेगूसराय के उलाव चौक पर की, जहाँ के लोग का सीधा कहना है कि इस बार बदलाव हो, गिरिराज छोड़ के अगर कोई कैंडिडेट आते हैं तो आँख मुन के हम वोट देंगे। अगर गिरिराज सिंह आते हैं बीजेपी से, उनको सीट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, अगर वो लड़ते हैं तो हम वोट महागठबंधन को दे देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।